हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच है 14 घंटा 37 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इस मैच का हम डीपली एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे कि इस टीम जो मैच होने वाला है इसमें हम किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख सकते हैं, किन को नहीं रख सकते हैं, किन को लेना अच्छा होगा, किन को लेना अच्छा नहीं होगा, किसके साथ कैप्टन आप जा सकते हैं, किन के साथ नहीं जा सकते हैं, सारा कुछ आपको जानने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और इस मैच का जो टीम बनता है वो मैं आपको टीम बना के बताऊंगा डायरेक्ट, ये नहीं कि आपका पीछे का मैच का हिस्ट्री दिखाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। टाइम पास मुझे नहीं करना आता है, बहुत सारा यूट्यूबर होता है जो आपको इधर उधर का बात करके टाइम पास करके वीडियो लंबा करता है, तो मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जितना टाइम आप मेरे पीछे दीजिएगा उतना टाइम में आप कुछ और काम कर सकते हैं, बट आप ड्रीम इलेवन पर खेल रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी होना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको टीम बना कर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिएट टीम पर हम क्लिक कर लेते हैं पहले। तो क्रिएट टीम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहला बात यहाँ देख लीजिए, पहला आप समझ लीजिए पिच रिपोर्ट क्या है। तो पिच रिपोर्ट आपको मिल जाता है बैटिंग फ्रेंडली, उसके बाद पेसर्स को थोड़ा सा हेल्प करेगा पिच, एवरेज स्कोर 251 है। ये जो मैच होने वाला है मेलबर्न स्टेडियम में होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो विकेट कीपर सेक्शन में है टॉप 3 बैट्समैन शो कर रहे हैं, जैसे में जॉस बटलर, एलेक्स कैरी, सैम बिलिंग्स। ठीक है, तो आप चाहें तो सैम बिलिंग्स, जॉस बटलर, एलेक्स कैरी तीनों में से किसी को ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर आपको करूंगा, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पीछे का डाटा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जॉस बटलर के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप सैम बिलिंग्स को आप चाहें तो एज ए आप बैट्समैन के रूप में टीम में रख सकते हैं, या फिर नहीं तो आप इनको ड्रॉप करके एलेक्स कैरी के साथ जा सकते हैं। लेकिन एलेक्स कैरी को आप तब लीजिएगा जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करे। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ही बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ विकेट कीपर के साथ। अब बात रह गया बैट्समैन सेक्शन से, तो बैट्समैन सेक्शन से डेविड वार्नर का देख लेते हैं रिकॉर्ड क्या है। तो डेविड वार्नर का देखिए, फर्स्ट मैच में 108 पॉइंट दिए हैं, सेकंड मैच में देखिए 22 हो गया है मात्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस जगह से अनुमान लगा सकते हैं आपको इसको टीम में अपने रखना है या नहीं रखना है। तो मैं तो फिलहाल इनको अपने टीम में रख रहा हूँ। वहीं मिचेल मार्श का देख लेते हैं, तो मिचेल मार्श एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछला मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं रहे थे, बट इस मैच में मैं इनको अपने टीम में रखूंगा। वहीं डेविड स्टेवन स्मिथ को मैं इस मैच में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो, अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो इनको अपने टीम में रख सकते हैं, बट मैं इनको कैप्टनसी देने के लिए प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, अगर स्मॉल लीग का मैच खेल रहे हैं तो इनको रख सकते हैं, और नहीं अगर जीएल खेल रहे हैं तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ड्रॉप करते हैं तो इनके जगह पे आप जेसन रॉय के साथ जा सकते हैं। ठीक है, या फिर डेविड मलान के साथ भी जा सकते हैं। डेविड मलान पिछला मैच में बहुत, मतलब कि कहें तो ख़राब पारी इनका था, रन नहीं मार पाए। ठीक है, तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं इस मैच में। तो आपको इस तरह से 3 बैट्समैन, सॉरी 4 बैट्समैन मिल जाता है। उसके बाद
ऑलराउंडर सेक्शन से देख लेते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से आप मार्कस स्टोनिस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, मार्कस स्टोनिस। उसके बाद सेम करन को पिछला मैच में थोड़ा सा मार पड़ा है, तो यहाँ देख सकते हैं, आपको देख लीजिए माइनस में दिए हैं पॉइंट, लेकिन इस मैच में उम्मीद है कि आपको पॉइंट देंगे, तो इनको आप रख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मोइन अली को भी अपने टीम में रख सकते हैं, क्योंकि मोइन अली एवरेज पॉइंट आपको देते हैं लगभग मैच में। वहीं पे देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, जोश हेजलवुड जो हैं वो आपको 82 पॉइंट दिए थे पिछले मैच में, तो आप इनको ले सकते हैं। वहीं एडम जंपा या आदिल रशीद, तो आदिल रशीद देखिए क्या किए हैं, ठीक है, तो क्रिस वॉक्स के साथ भी आप जा सकते हैं। क्रिस वॉक्स डेथ में बॉलिंग कराते हैं, वहीं डेविड वेली भी डेथ में कराते हैं, तो इसके अनुसार आप अपने टीम में इसको रख सकते हैं। बाकी मैं इन तीनों को रख लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। साथ ही साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेना है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए, मैं तो फ़िलहाल के लिए कैप्टन डेविड वार्नर या डेविड मिलान के साथ किसी के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। वीसी में आज जोस बटलर को रिस्क ले रहा हूँ, आप चाहें तो सेम करन के साथ भी जा सकते हैं वीसी, ठीक है, सेम करन हो गया। उसके बाद डेविड मिलान के साथ भी जा सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों जा सकते हैं, ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।